गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः इस महायज्ञ में अपना तालियों की आहुति दे आप सभी श्री इंद्र ने ताली बजाते रहे। सतम च जीवाम शरद माल्य अर्पण करें एक दूसरे को और सभी लोग तालियों से इनका अभिनंदन करें। ओम यस बृहस्पति यशो भगस्य हाँ वीडियो वाले फोटो वाले लेते रहे, क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। बैठ जाइए अपने जगह पर सह परिपातु ईश्वतः हाँ यहाँ पर अब कन्यादान गुप्त दान का आता है तो आपका होगा ही अभी, और उसके साथ साथ आप दोनों अक्षत पुष्प रख लें, अक्षत पुष्प रख लें। अगर आपके पास कुछ द्रव्य हो तो 10-5 रुपए भी रख लें गुप्त दान के रूप में, और उसके साथ साथ कन्यादान संकल्प के रूप में कन्यादाता लोग ध्यान दीजिएगा। ओम अधेति नाम्यहं नाम्यम् कन्या भरणी सुता नाता यथा शक्ति अलंकिता गंधादि अर्चिता वस्त्रगुच्छाना प्रजापति देवत्या सत्गुणीकृता ज्योतिष होमः अधिरात्र सत्फलम् प्राप्ति काम्यहं नाम्ने विष्णु रूपे वराय भरण पोषण आच्छादन पालनादि ज्ञाना स्वीकृह उत्तम। हाँ आप ध्यान दीजिएगा वर कन्या, क्योंकि समय का पाबंदी है। विवाह संस्कार तो वैसे 12 घंटा लगता है, लेकिन 1 घंटे में संपन्न कराना है ऐसा निर्देश है, इसलिए ज्यादा कुछ ना करते हो सीधे क्रम की ओर चलते हैं मर्यादाकरण के लिए। अब आप दोनों खड़े हो जाएं, वर कन्या खड़े हो जाएं, और एक दूसरे के हाथ को दाहिने हाथ को पकड़ करके मिलाए एक दूसरे से मित्रता का भाव कर रहे हैं। अपने जगह पर खड़े हो जाइए और हाथ मिलाएं एक दूसरे से, अंगूठा को पकड़ लेंगे।
ओम गौरी कन्या मिमा पूज्यम यथाशक्ति विभूषिताम गोत्राय शर्मणि तुभ्यं दताम देवः समाश्रयः धर्मः शरणं सम्यकं क्रियामन्तः सह धर्मतार्थिः न काम्यं च यस्य नाति हृतेभिः। हाँ वर महोदय जी कहे नाति चरामी, बोले वर महोदय जी नाति चरामी कहे और उसी प्रकार से हाथ रखे रहे। ओम देश मनसः दुरं देशो निपः मानो वा हिरण्यपर्णो वह कर्णः सह त्वा मनसः करोतु असो। बैठ जाइए। ये दूसरी साक्षी और तीसरा है धन वृद्धि के लिए, चौथा है सुख वृद्धि के लिए और पांचवा है प्रजा पालन के लिए और छठवां है ऋतु व्यवहार के लिए और सातवां है मित्रता के लिए। ये सात सप्तपदी का भाव था। ये सप्तपदी के रूप में आप लोग सात कदम आगे बढ़े, आगे की ओर बढ़ते जाएं। पहले दाहिने कदम, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, इस प्रकार से सात बार फिर अपने स्थान पर चले जाएं। अपने स्थान पर जब पहुंचेंगे फिर आसन परिवर्तन कर लीजिएगा। अभी तक कन्या दाई ओर थी, अब बाई ओर बैठेंगी। ध्यान दें सभी कुंडलों के समीप में आसन परिवर्तन यहीं पर होता है। अभी तक सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश का भाव था, लेकिन अब नीलाम भुज से आप उसका भाव यहाँ पर आ जाएगा। बाएं अंग में धर्म पत्नी आ रही है, यहीं से अभी तक विवाह संपन्न नहीं हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जब तक सिंदूर ना लग जाए तब तक विवाह संपन्न नहीं माना जाता है। आइए आसन परिवर्तन कर लें। प्रजाते सिंदूर निकाल लीजिए और महोदय जी अपने बाएं हाथ में सिंदूर ले लें और दाहिने हाथ के पांचों उंगलियों से अपने धर्म पत्नी जिनको आप स्वीकार कर रहे हैं उनके मांग पर नीचे से ऊपर की ओर लगाएंगे पांच बार। मंत्र यहाँ से बोला जाएगा, आप नीचे से ऊपर की ओर मांग भरेंगे। मांग भरना है आज के बाद, अपने धर्म पत्नी के सभी मांगों को आपको पूरा करना पड़ेगा। यह मांग भरना साधारण बात नहीं है, आज के बाद मांग पूरा करना पड़ेगा। ये मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम सुमंगले हरिम वधुरी महासमेत पश्यम सौभाग्यमस्य दत्त्वः यथा इष्टतम विपरे पनः सुभगाय श्री सावित्रे सह सौभाग्यम भवतु। पांच बार लगा दीजिए, पांच बार नीचे से ऊपर की ओर लगाएं। वर महोदय जी खड़े हो जाएं अपने जगह पर। पिछली सरकार में जो कन्या विवाह योजना हुआ वो विवाह का आयोजन कैसा था, यदि कुछ लोग होंगे तो आप समझ पाएंगे इसमें कितना बड़ा परिवर्तन है, कितना बड़ा अंतर है। पटना में हमारे भूलन सिंह जी जो विधायक हैं आज, उस दिन हमारे जिले के उपाध्यक्ष ही थे, इनके गांव में भी हुआ। आदरणीय हमारे महिला बाल विकास के आदरणीय सिसोदिया जी हैं, इन्हें के नेतृत्व में हुआ था। और उस विवाह में यदि उसका फोटो निकाल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना परिवर्तन है। राज्य गायत्री परिवार परिसर में जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें कितना अंतर आपको महसूस होगा। यही है सनातन पद्धति, यही है देश की मोदी जी की गारंटी, यही कृष्ण सरकार का आयोजन, यह लक्ष्मी राजवाड़े का आयोजन। वहां इसी प्रकार के पंडाल में धर्म परिवर्तन का काम चलता था, धर्म परिवर्तन के बाद विकास होता था। और जब इस बात को हम उठाते थे हमको जेल भेजने की बात होती थी। आज यह परिवर्तन हुआ है, यहाँ किसी का धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपको मिलाने का काम हुआ है, आपको साथ साथ चलने का काम हुआ है। मैं पूरे जिला प्रशासन को, कलेक्टर महोदय को, रजिस्ट्रार साहब को और महिला बाल विकास के सभी अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तो समय के साथ अपने आप में आप लोगों ने परिवर्तन लाया है, आगे भी परिवर्तन चलता रहेगा, ऐसी क्रम आगे बढ़ता रहेगा। ये हमारा देश सनातन पद्धति का देश है, इस सनातन में देश चलने वाला है। और मैं मोदी जी को, हमारे विष्णु साई जी को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हम सूरजपुर में आए हैं, गायत्री प्रांगण में यहाँ 200 जोड़ी का शादी हुआ।
और दुल्हन दुल्हा से जानते हैं कि इस शादी में कितना खुशी हुआ, 200 जोड़ियों को शादी के बीच में मतलब शादी हुआ तो कितना अच्छा लगा। जी सर, आपका नाम क्या है? नाम क्या? नाम सूरज अक्का। सूरज अक्का जी। जी सूरज अक्का जी, यहाँ का शादी में आपको कितना खुशी मिला, मतलब सामूहिक शादी में कैसा लगा आपको? बहुत खुशी मिला। बहुत खुशी मिला जी। तो आप शादी इससे पहले आप लोगों का मतलब दोनों का मन विचार था कि अचानक विचार बना घर परिवार वालों के बीच? नहीं, विचार था। अच्छा जी। तो यहाँ का शादी में बहुत अच्छा लगा आपको जी। तो आपकी पत्नी का नाम है, ये है ना जी? जी। तो आपका नाम क्या है? सोन कुमार लकड़ा जी। यहाँ का शादी बहुत अच्छा लगा? अच्छा लगा। और यहाँ आशीर्वाद भी अच्छा, पूरे मंत्री विधायक लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कहाँ से हैं सर? परमेश्वरपुर से जी। धन्यवाद। सोनहत। अच्छा, सोनहत से हैं। आपका नाम क्या है? सुभंश लाल। अच्छा जी। तो यहाँ का सामूहिक विवाह में कितना अच्छा लगा सर? यहाँ का मतलब विवाह देख के, मतलब पूरा हर चीज़ विधिवत हुआ? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा जी। इस शादी से बहुत खुशी मिला जी। और यहाँ से मतलब लोगों को भी इसे अच्छा वो मिला, मतलब जागरूकता मिला कि मतलब सामूहिक शादी में एक जगह बैठ के मतलब एक साथ 200 जोड़ी मतलब 400 लोगों का शादी हुआ जी। जी जी। आपका क्या नाम है? आशा। जी आशा जी, तो अब जैसे कि दो जने का शादी हुआ उस शादी विवाह में और यहाँ 200 के साथ जो शादी हुआ, तो इससे अंतर कितना अंतर है, मतलब इससे कितना अंतर है? मतलब 200 के साथ जो शादी हुआ तो ये ज़्यादा अच्छा है, दो जन वाला अच्छा? अच्छा है, 200 के साथ ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। भावर चलना है। हाँ, डाल दीजिए, आहुति डाल दीजिए।
जगह है, सब जगह से उठा लूंगा। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, हाँ लोग ये तो रहेगा कि हाँ कोई तो आया, इसमें दोनों में पूरा रख लीजिए। हाँ 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 खूब अच्छे से रहिए आप लोग ना, दोनों पति पत्नी अच्छे से एकदम प्यार से रहिए। झगड़ा करिया मत, अच्छे से रहिएगा दोनों जगह, पति पत्नी एकदम खुशी से। उधर बाबू ए फोटो अच्छे से रहिए भैया ना, सिंधिया कहाँ है बिटिया? सिंधिया तुम घर कहाँ है? रामेश्वरम ये दोनों रामेश्वरम के हैं बात। चलो आइयो भैया, तो खूब अच्छे से रहिएगा आप लोग, दोनों रामेश्वरम के हैं ये बात। नहीं ये बहुत बढ़िया सेटिंग होगी,
इधर भी नहीं हुआ है ना, एक लाइन से विधायक जी का आशीर्वाद ना चल लिया। अरे लिया यार, लो भाई चलो बधाई हो तुम लोगों को। अच्छा रहेगा आप लोग ना, झगड़ा नहीं करना नहीं है, है ना, झगड़ा नहीं कर ही धमल बताई है। हुआ जी खींचेगा तो, अरे एकदम खींच रहे हैं सर, पूरा एक भी फेल नहीं होगा। बहुत अच्छे से रहेगा आप लोग ना, मेरा खाना अच्छा से ना, अच्छे से रहना। ये बड़े पापा है तोर, कौन गांव के? हाँ कौन गांव के? बोड़ी बोड़ी बधाई बधाई बधाई। एक तो बड़े पापा है, मंगलमय रहे। बधाई हो आप लोग, शादी का जीवन हो आप लोग। अच्छा रहिएगा भैया, फोन करके विधायक जी लोगों का दिया, सब आपके क्षेत्र के हमारे यहाँ गृह ग्राम का शादी जोड़ा है, उसका थोड़ा सा उनको भी इधर ले आइए ना। एक मिनट साइड हो जाइए थोड़ा। उधर से चलिए बढ़िया। बोले भारत माता की। आज नामा नामा बिहाव हुआ थे हमारे बेटी दामान मंत्र हो चुकी से और आवाज नहीं निकला थी, कैसे चलने वाला है भाई? बोले भारत माता की, गायत्री माता की, गायत्री माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सूरजपुर जिला के गायत्री मंदिर प्रांगण में आज 200 जोड़ा कर विवाह संपन्न हुई से और ये कार्यक्रम लहन संपन्न कराए बर हम सब के बीच में उपस्थित प्रेमनगर विधानसभा के विधायक सामान्य भूलन सिंह मरावी जी, हम सब के बीच में उपस्थित ये जिला के कलेक्टर सामान्य रोहित व्यास जी, हम सब के बीच में उपस्थित लोकसभा सरगुजा लोकसभा के प्रत्याशी सामान्य चिंतामणि महाराज जी, यहाँ पे उपस्थित सूरजपुर जिला के जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी, सामान्य प्रदेश कार्य समिति सदस्य भीमसेन अग्रवाल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष रामकृपाल साहू जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश मंत्री
श्रीमती परमेश्वरी राजवाड़े जी सामान्य हमारे बीच में उपस्थित हैं, भोला प्रसाद अग्रवाल जी, मुरली मनोहर सोनी जी, लाल संतोष सिंह जी, श्रीमती पुष्पा सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य गीता जसवाल जी, जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य लोकेश पैकरा जी, जिला पंचायत सदस्य अजय श्याम जी, सम्मान्य रामानंद जसवाल जी, शशिकांत गर्ग जी, दीपेंद्र चौहान जी, संत सिंह जी, अजय अग्रवाल जी, राजेश तिवारी जी, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष नूतन विश्वास जी, महिला मोर्चा महामंत्री और एक और महामंत्री वीरा गुप्ता जी, राजेश्वर तिवारी जी, दीपक सिंह तोमर जी एवं हमारे बीच में उपस्थित समस्त मंचस्थ अतिथिगण, हमारे बीच में जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, जनपद सदस्य किरण के राम जी, सीमा जी यहाँ के जनपद अध्यक्ष पुष्पा सिंह जी एवं समस्त मंचस्थ अतिथिगण, हमारे 200 जोड़ा लहन आज विवाह के बंधन में बांधे बर आए हैं और उनमें एक कार्यक्रम का हम संपन्न कराए बर आए हैं। हमारे गायत्री परिवार के समस्त अतिथि मन भी हैं और समस्त क्षेत्र से आए हैं, हमारे मीडिया भाई मन भी हैं। मैं मंच के माध्यम से आप सब जन ला स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। 200 जोड़ा करी गायत्री मंदिर परिवार में प्रांगण में संपन्न हुई से और मैं मानता हूँ कि गायत्री मंदिर के प्रांगण जहाँ हमेशा से गायत्री परिवार हर एक नई धारा, एक नई रूप और एक नई विचारधारा के साथ हमेशा से आगे बढ़त है, लोग मन लहन प्रेरित करत है और यही परिवार है आज 200 जोड़ा मंत्र विवाह कार्यक्रम संपन्न करी है। मैं वो 200 जोड़ा के वर वधु लहन जो नए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करे जाते हैं वो मन के बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आज से ही आप मन कर जीवन एक नई बंधन में बन चुकी से, अभी आप मन कर जिम्मेदारी है कि वो परिवार लहन कैसे स्वर्ग बनाना है, कैसे संजो के रखना है, आपस में परिवार लहन कैसे हमन के और अच्छा दिशा दिखाना है। काहे कि यही परिवार है जो सास ससुर चाहे देवरानी जेठानी या परिवार में जितना भी सदस्य रहते हैं, यही परिवार है जो एक बंधन में बन चुकी है, वापस में कैसे जोड़ते हैं, बोला स्वर्ग कैसे बनाते हैं, ये आप मन के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं ईश्वर से कामना करूं कि ये परिवार लहन आप मन का जो परिवार है, घर परिवार है, बोला हमेशा से एक सूत्र में बांध के सब कोई रखा ताकि परिवार कभी टूटे ना। हमेशा ऐसा देखा जाती कि जैसे ही बंधन में लोग बनते परिवार धीरे से टूट जाते, आज के समय में आप सबको ये चीज लहन महसूस करत होता। लेकिन मैं अपील करत हूँ आप मन से कि ये बंधन में जो जुटे हैं तुम मन तो सब जन लहन जोड़ के ही चलना है, तोड़ना नहीं है। और पुनः आप मन लहन बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देहत हूँ। हमारे महिला बाल विकास हर हमेशा से जब छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी का सरकार रही तो हमार कन्या महन जो गरीब परिवार होते हैं उमन का आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं हो, मतलब आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर रहते हैं। ऐसा भी देखे भी मिलते हैं अपन जमीन जगह बेच के शादी कर विवाह करते हैं, लेकिन हमार सरकार हर ये योजना लहन लागू करी और आज भी ये योजना हाँ चलत है और योजना के माध्यम से 200 जोड़ा का शादी संपन्न हो। इससे मैं सामान्य भारत माता की शादी कर बाद में मांडी कर भी व्यवस्था है, सर जयकारी जरा ऊंचे आवाज में हो। भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की,
आज सूरजपुर के गायत्री मंदिर के ये पवित्र प्रांगण में सामूहिक विवाह के ये शुभ अवसर में ये जग उपस्थित जीवन कर जिम्मेदारी है सामूहिक विवाह करवाए बर ऐसे महिला बाल विकास के मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, प्रेम नगर के विधायक भूलन सिंह जी, भूलन सिंह मरावी जी, यहाँ के सूरजपुर के जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी, भीमसेन अग्रवाल जी, यहाँ के जिला के कलेक्टर रोहित व्यास जी और पुलिस अधीक्षक संजय महतो जी, यहाँ उपस्थित रामकृपाल साहू जी, भोला प्रसाद अग्रवाल जी, मुरली मनोहर सोनी जी, श्री लाल संतोष सिंह जी, श्रीमती पुष्पा सिंह जी, श्रीमती गीता जायसवाल जी, श्रीमती सुमन सिंह जी, श्री लोकेश पैंकरा जी, अजय श्याम जी, रामानंद जायसवाल जी, शशिकांत गर्ग जी, दीपेंद्र सिंह जी, संत सिंह जी, अजय अग्रवाल जी, राजेश तिवारी जी, श्रीमती नूतन विश्वास जी, राजेश तिवारी जी, दीपक सिंह तोमर जी और मंच में विराजमान अमर भाजपा के और ये क्षेत्र के सब वरिष्ठ कार्यकर्तागण, यहाँ सामूहिक विवाह जीवन कर विभाग कर द्वारा आयोजन होते ऐसे महिला बाल विकास के अधिकारी संदेश सिसोदिया जी और बनकर पूरा टीम और यहाँ ये सामूहिक विवाह संपन्न कराए बर हमार माता गायत्री जी के सेवकपन जो यहाँ उपस्थित होइन है जीवन सामूहिक विवाह ला पूरा सनातन रीति से संपन्न कराइन है ऐसे सब हमार गायत्री परिवार के सदस्य मन और यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुगण इजग उपस्थित वर वधु के परिवारजन और जीवन का शादी वो थे ऐसा 200 जोड़ा जो वर वधु हैं सब जनला मोर तरफ से प्रणाम। आज शासन के योजना के तहत सामूहिक विवाह जो संपन्न हो थे हमारे गांव के रहने वाला गरीब परिवार जो अपन बेटा के बेटी के शादी करे बर आर्थिक कमजोरी के कारण ओमला दिक्कत होते तो ऐसे परिवार के हमार बेटा बेटी मनला सामूहिक विवाह करे करे योजना सरकार बनाई से और आज सूरजपुर में 200 जोड़ी सामूहिक विवाह होते इमें सरकार ककरो साथ बिना भेदभाव किए चाहे वो हमार हिंदू संस्कृति मानने के मानने वाला हो या ईसाई समाज के मानने वाला हो या फिर मुस्लिम समाज हो सबके विवाह निष्पक्ष भाव से सरकार करत है। इजग संभवतः एक जोड़ी ईसाई समाज के भी शादी हो थे अंबिकापुर में जो शादी हुए रिस वहाँ मुस्लिम समाज के भी कुछ जोड़ा मन के शादी हुए रिस तो निश्चित रूप से जिला हमन तो मन सरकार में बैठाए हैं उमन बिना भेदभाव किए सब वर्ग के लिए काम करा था। अभी कुछ ही दिन पहले संभवतः 10 तारीख है महतारी बंधन योजना के तहत जितना भी
हमारे माता बहन मन है ओमन के खाते में एक एक हजार रुपया आई जेकर आज ओमन कर मन में का खुशी है बोला हमन मंच में देखे भी। तो सरकार सबके हित के लिए काम करते और आने वाला समय में बहुत सारा ऐसा योजना हो ही जो हमारे गांव के रहने वाला हमारे किसान भाई मन के लिए नौजवान साथी मन के लिए हमारे माता बहन मन के लिए सबके लिए सरकार योजना बनाए करके और सबके विकास के लिए काम करते हैं। निश्चित रूप से आज जब शादी संपन्न हुई और शादी भी पूरा रीति रिवाज के साथ और हमारे गांव देहात में कुछ नेग भी होते वह हुई। जब बराती मनाई तो बराती कौन रहे और घराती कौन रही ये गेट में चर्चा चलत रही। तो हमारे कलेक्टर साहब और विधायक जी भूलन सिंह जी एवं बराती बन करके आई बोले भारत माता की, भारत माता की। लेकिन अभी जितना बड़ बधु बैठे हैं ना खुश नहीं लग रहा है। अरे आज आप लोग का ब्याह हुआ था तो कम से कम खुश होना चाहिए, जयकारा जोर से बोलना चाहिए। बोले भारत माता की, यात्री माता की, यात्री माता की, धरती माता की, धरती माता की। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह किस विदाई समारोह में हमारी छत्तीसगढ़ शासन के महिला बाल विकास के मंत्री और भड़गावा विधानसभा के विधायक सम्मान्य श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, हमारे जिले के एसएससी कलेक्टर सम्मान्य रोहित व्यास जी, इस सूरजपुर जिले के एडिशनल एसपी सामान्य महतो जी, हमारे सूरजपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के सबसे जिला अध्यक्ष सामान्य बाबूलाल अग्रवाल जी, प्रदेश के मंत्री सामान्य श्रीमती परमेश्वरी रजवाड़े जी और सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सामान्य चिंतामणि महाराज जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सामान्य भीमसेन अग्रवाल जी, सामान्य राम कृपाल साहू जी, सामान्य भोला प्रसाद अग्रवाल जी जो इस यात्री परिवार ऐसे यात्री ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं संरक्षक हैं, और हमारे जिला के महामंत्री सामान्य मुरली मनोहर सोनी जी, लाल संतोष जी, पुष्पा सिंह जी, गीता जायसवाल जी, सुमन सिंह जी, लोकेश टेकरा जी, अजय श्याम जी, रामानंद जायसवाल जी और सभी मंच में बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, यहाँ पर जो बहुत अच्छा यात्री परिवार के माध्यम से जो शादी संपन्न करा रहे हैं, ऐसे सभी हमारे यात्री परिवार के सभी सम्मानित जन इस कार्यक्रम को महिला बाल विकास सूरजपुर के जिला प्रशासन की ओर से संपन्न हो रहा है, ऐसे सभी महिला बाल विकास के अधिकारी कर्मचारीगण, सूरजपुर जिले के हमारे समस्त विभाग के कर्मचारीगण अधिकारीगण, और यहाँ पर सूरजपुर से के जिला से दूर दूर से आए हुए इस वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए ऐसे हमारे सभी सम्मानित मन सभी माता बहने यहाँ पर 200 जोड़ा वर वधु का यहाँ संपन्न हो रहा है, ऐसे सभी सम्मानित वर वधुगण, यहाँ पर मीडिया के सभी साथीगण, सभी पुलिस विभाग के कर्मचारीगण, आज इस वर वधु का बहुत सौभाग्य है कि यहाँ पर यात्री माता जी के गोद में और यहाँ धरती माता के यात्री माता जी के अंगनाई में और धरती माता के गोद में जिनका विवाह संपन्न हो रहा है,
ऐसे हमारे इस विवाह में जो वर वधु के रूप में आए हैं इनका सौभाग्य आगे बढ़ेगा, मेरा ऐसा विश्वास है, निश्चित है। आप सब यहाँ पर बहुत दिनों का इंतजार था कि हमारा विवाह संपन्न हो। कई दिनों से महिला बाल विकास के अधिकारी मंत्री जी से चर्चा परिचर्चा करते करते आज कहीं संपन्न हो पाया, इसलिए मैं जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा सूरजपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह संपन्न हुआ। आज ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर रमन सिंह जी का जो देन है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार आज लगभग 3 महीना हुआ और हमारे 3 महीना में हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, जो हमारे देश के सच्चे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी घोषणा कार्ड था उस घोषणा को पूरा कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ सरकार बनते ही हमारे छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आवंटन हुई। इसी तरह 10 तारीख को हमारे छत्तीसगढ़ के सभी विवाह जिसका हो चुका है ऐसे हमारे सभी माता बहनों को 1,000 रुपया और साल में 12,000 रुपया 10 तारीख को भी आप सबके खाता में आ गया है। उसी प्रकार का हम किसानों के लिए हम चुनाव समय घोषणा किए थे कि आपका 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और 3100 रुपया उसका भुगतान करेंगे, ये भी आप सबके खाता में 12 तारीख को हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मानीय विष्णु साय जी के नेतृत्व में आप सबके खाता में संपन्न हुआ। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देते हुए और आने वाले दिन में भी हमारी डबल इंजन के भी सरकार बनाना है, इसलिए मेरा आप सबसे एक आग्रह भी है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सामान्य चिंतामणी महाराज भी यहाँ पर आए हैं। आप सब लोग इस बार मिल करके और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ को मजबूत करना है और छत्तीसगढ़ देश दोनों ही डबल इंजन का जब सरकार बनेगा।